हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे स्पाउस वीजा में जो मेन एप्लीकेंट के बाद स्पाउस की रिफ्यूजल्स के रीजंस क्या हैं। तो स्पाउस की रिफ्यूजल्स के जो रीजंस हैं, अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में क्या होता है कि जब आप मेन एप्लीकेंट फाइल लगाता है तो उसमें कॉलम आता है कि आर यू ट्रेवलिंग टूगेदर, कि आप इकट्ठे ट्रेवल कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। तो वहां पर हम मोस्टली लिख देते हैं कि नो। ठीक है, अगर तो आप इकट्ठे फाइल लगा रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ बिल्कुल साथ साथ फाइल लगाए, इकट्ठे फाइल लगा सकते हो, आप उसमें मेंशन करें कि यस हम ट्रेवल इकट्ठे कर रहे हैं। और अगर नहीं तो उसमें क्या करते हैं, मोस्टली जो कंसल्टेंट है वो ये गलती कर लेते हैं कि आपने वहाँ नो भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका वीज़ा आ गया मेन एप्लीकेंट का, साथ ही आप स्पाउस का भी वीज़ा लगा देते हो, जबकि मेन एप्लीकेंट अभी ट्रेवल नहीं हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि या तो आप इकट्ठे फाइल लगाइए, बट उसमें अगेन जो एम्बेसी की इंटरव्यू की है वो प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बट अगर मान लो मेन एप्लीकेंट वहाँ पर चले गया है, आप 15 डेज बाद स्पाउस की फाइल लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो दैट वुड बी द बेटर कोर्स। बट ये मत करिए कि मेन एप्लीकेंट के लगने के बाद आप स्पाउस की फाइल लगा दें ताकि आप इकट्ठे ट्रेवल करोगे, तो वो गलती बिल्कुल मत करें। सेकेंडली, आप फाइनेंशियल्स बिल्कुल अच्छे से दिखाएं। अगर किसी और कारण रीजन आता है आपका, अगर आपका स्पाउस केस रिजेक्ट होता है तो आप हमारे से मिल सकते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें स्पाउस की रिफ्यूजल्स के बाद भी वीज़ा लिया जा सकता है, तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट कुछ गलतियाँ हैं जो हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि वो मत करें, उसमें उन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं आपको इंडिविजुअली भी आप अगर मेरे से काउंसलिंग लेंगे मैं आपको गाइड कर दूंगा। सेकेंडली आता है कनाडा में जो स्पाउस रिफ्यूजल्स के रीजंस क्या हैं। कनाडा में क्या होता है कि जैसे ही मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आता है तो क्या करते हैं, वो उसी वक्त शादी शो कर देते हैं कि हाँ जी शादी होगी, उसके बाद वो गया तो साथ ही 6 मंथ बाद फाइल लगा देते हैं। तो ये गलती मत करिए। ठीक है, उसमें क्या रहता है कि कनाडा में खाली ये नहीं कि आपने मैरिज कर ली, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया जी, ठीक है जी, पासपोर्ट पे भी स्पाउस का नाम आ गया जी, ठीक है, उसके बाद जो मेन एप्लीकेंट है और जो स्पाउस है उसके पासपोर्ट पे भी उसका नाम होना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारे और प्रूफ्स हैं जो हम कहते हैं, हम हमेशा रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कनाडा में वो कहते हैं कि आपका रिलेशनशिप प्रूफ होना चाहिए ताकि आपने कितने टाइम तक आपका ये रिलेशनशिप रहा है। अगर आपकी लव मैरिज है, आपका पहले से रिलेशन है, उसको भी प्रूफ साथ में लगाइए, ताकि जितना ज़्यादा पीरियड आप एम्बेसी को दिखाएंगे, जितने ज़्यादा प्रूफ्स दिखाएंगे, उतना ही एम्बेसी इससे कन्विंस होगी, क्योंकि एम्बेसी भी कनाडा में भी उनके साथ कुछ केसेस आ चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके भी स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, तो इसीलिए वो जेन्युइन मैरिज को भी डाउट की निगाह से देखते हैं। तो इसीलिए हम जो कंसल्टेंट्स का रोल है वो भी बढ़ जाता है, हम एज एन एडवोकेट प्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को कि ये जेन्युइन मैरिज है, और उसके पूरे प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लगा के पूरी स्ट्रॉन्ग फाइल एम्बेसी में पुट अप करते हैं। तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपके कंसल्टेंट हैं आप उनको बोलें कि ये आपके पूरे एविडेंस, पूरे प्रूफ साथ में लगाएं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पासपोर्ट पे उसके, आपके अगर मेन एप्लीकेंट है उसके में वाइफ ऑफ आपका नाम आना चाहिए, हस्बैंड का नाम आना चाहिए, हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम आना चाहिए, आपका आधार कार्ड उसका वहाँ के एड्रेस का, हस्बैंड के एड्रेस का होना चाहिए, हस्बैंड के एड्रेस पर आप गैस बुकिंग करा सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइंट एक अकाउंट खुलवा सकते हैं दोनों का, ज्वाइंट अकाउंट का साथ में प्रूफ लगा सकते हैं, आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट तो एसेंशियल है, उसके बाद आप अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं, आप पुरानी चैटिंग भी भेज सकते हैं, और देर आर सो मेनी प्रूफ्स। हो जब आप मेरे से काउंसलिंग लेने आएंगे देन आई विल गाइड यू। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आप साथ में प्रूफ अटैच करें। जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी यूके में भी कई रिफ्यूजल्स के बाद हमने ये प्रूफ लगाए, उसके बाद उनका वीज़ा भी आया है रिफ्यूजल के बाद भी, और इसी तरह कनाडा में भी रिफ्यूजल्स के बाद में भी कई हमने वीज़े लिए हैं। बट हम ये चाहते हैं कि आप रिफ्यूज़ल ना लगवाएं, उसके बाद वीज़ा लेना टफ होता है, आप पहले से ही एम्बेसी में अपनी स्ट्रॉन्ग फाइल पुट अप करें। तो ये सारे रीजंस को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और आप अपने कंसल्टेंट को हमेशा जरूर बोले कि आपकी फाइल में कोई गलती ना रहे और आप खुद भी इसमें पूरा इंटरेस्ट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज, विजिट अस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज। Follow us on our social handles for latest offers and updates.